नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डो मिसाइल हटाने के बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में डो मिसाइल को लेकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि देश के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके जन्म स्थान निवास के आधार पर अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुबहानी ने शिक्षा मंत्री के उस बयान को भी खारिज किया कि बिहार में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी है। सुबहानी सोमवार को मुख्य सचिवालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद थे। सुबहानी ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 1991 में जो नियमावली बनी उसमें भी डो मिसाइल का प्रावधान था। आयोग ने 1994, 1999 और साल 2000 में जो बहाली की वह पूर्व की नियमावली के अनुसार ही थी। उन्होंने कहा साल 2012 में जो नियमावली बनी उसके तहत 1.68 लाख की बहाली हुई, जिसमें अन्य राज्य से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 3,413 थी। शेष चयन बिहार के नागरिकों का ही हुआ था। उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसी प्रदेश में डो मिसाइल लागू है इसकी उन्हें जानकारी नहीं। यदि सभी राज्य ऐसा नियम लागू कर देंगे तो बिहार के नागरिकों को भी बिहार के प्रदेशों में नौकरी नहीं मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय काफी सोच समझ कर लिया है। इस निर्णय से बिहार के नागरिकों के हित में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा वैसे भी राज्य की नौकरियों में 50% रिक्तियां आरक्षित होती हैं। आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के नागरिकों को ही मिलता है। एक प्रश्न के जवाब में मुख्य सचिव ने नियमावली बनने के बाद संशोधन को लेकर कहा कई बार कई चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे जैसे चीजें संज्ञान में आती हैं तो संशोधन होते हैं। देश के संविधान तक में आज तक कई संशोधन हो चुके हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के उस बयान को नकारते हुए कहा गणित और विज्ञान में बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हर वर्ष बिहार में हजारों छात्र IIT, JEE, नीट जैसी परीक्षाएं देते हैं और अग्रणी रहते हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शनों पर मुख्य सचिव ने कहा इस देश में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन निर्णय कानून के दायरे में ही लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए बिहार एग्जाम। नमस्कार।